हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड नर्स्ट हीट इक्वेशन फ्रेंड्स इससे पहले हम लोग ये लेक्चर पढ़ें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़े पहले हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स का एंट्रोपी को एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका इसमें यूज़ है थोड़ा सा आपको एंट्रोपी क्लियर होना चाहिए वैसे तो आपने वो लेक्चर देख लिए ले होंगे एंट्रोपी आपको क्लियर होगा लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कराऊँगी एंट्रोपी क्लॉसियस ने दिया था जब वो सेकंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉर्मुलेट कर रहे थे तब तब उन्होंने एक टर्म एंट्रोपी को बताया था जो कि एक स्टेट वेरिएबल थी और जो कि ये बताती थी एक्चुअली ये एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वान्टिटी है एक तो एंट्रोपी रेंडमनेस को बताती है किसी भी सिस्टम में कितना रेंडमनेस है उस चीज़ को बताएगी साथ में कितनी अनएवलेबल एनर्जी है उसकी मेज़र भी एंट्रोपी द्वारा ही होती है कि यानी कि जो यूजफुल एनर्जी यूनिवर्स में है अनयूजफुल एनर्जी जो यूनिवर्स में है वो एंट्रोपी ही है और साथ में मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को बताती है क्या वो कोई भी प्रोसेस होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को फॉलो करेगा और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रेंडमनेस ही बढ़ती है तो उसको भी एंट्रोपी uh, से कैसे साइन करते हैं वो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था आई होप आपने देखा होगा वो लेक्चर जो एंट्रोपी से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि जो एंट्रोपी होती है वो किस चीज़ को बताती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो एंट्रोपी होती है कि कोई भी प्रोसेस हो सकता है या नहीं इस चीज़ को बताती है क्लासेस के अकॉर्डिंग चेंज इन एंट्रोपी इन एनी प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू ज़ीरो है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है अदरवाइज इन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही होगा और फ्रेंड्स नेचुरल जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचुरल जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सब इरिवर्सेबल होते हैं दैट मीन्स कि यूनिवर्स में जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है यानी कि एंट्रोपी से हम पता लगा सकते हैं कि अगर चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव आ रहा है किसी प्रोसेस में दैट मीन्स कि वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो एक तरह से का जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो ये भी बताता है कि कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है ओके तो ये एक स्टेट वेरिएबल भी है स्टेट वेरिएबल फ्रेंड्स क्या होता है जो किसी भी किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है जैसे आपका यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है ये आपका पीवी कर्व होता है ना पीवी इंडिकेटर डायग्राम तो ये भी स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ये सब स्टेट वेरिएबल है ये सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं अगर आप इनमें से पी वी टी एस यू इनमें से कुछ भी चेंज करते हैं तो उस थर्मोडाइनमिक सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती है और जो भी चीज चेंज कर रहे हैं उस प्रोसेस से चेंज होगा जैसे अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रख के आपने वॉल्यूम चेंज किया या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा प्रेशर चेंज किया एंट्रोपी चेंज कॉन्स्टेंट रखी उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस आइसो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें एंट्रॉपिक कांस्टेंट होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस इस तरह से जिस जो जो आप कांस्टेंट रख के या जो भी वैरी करा के आप स्टेट चेंज कर सकते हैं ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये Uh, किसी भी थर्मोडाइनम की इस, इस सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है आपने यहाँ से यहाँ तक सिस्टम की स्टेट चेंज की है तो क्या होगा इनकी वैल्यूज चेंज हो गई है लेकिन अगर इस प्रोसेस से किया या इस प्रोसेस से किया किसी भी प्रोसेस से किया तो उसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता है तो यानी कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट वेरिएबल भी है तो एंट्रोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है अब हम आते हैं सीधे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स को एक्चुअली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो नर्स का हीट थ्योरम है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बाद में उसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स का नाम दिया गया था नर्स ने नाइनटीन में एक थ्योरम uh, दी थी जिसके अकॉर्डिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड्स टेंस टू जीरो एज द एब्जोलूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज अप्रोच्ड इसका मतलब ये हुआ कि जब जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर एब्जल्यूट ज़ीरो तक पहुंचता है तो उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटीज हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स मतलब सी पी एंड सी वी टेंस टू ज़ीरो जीरो अप्रोच करती हैं जब उस सॉलिड का टेम्परेचर एब्जलूट जीरो एब्जल्यूट जीरो टेम्परेचर फ्रेंड्स कौन सा होता है जीरो कैलविन टेम्परेचर जीरो कैलविन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कैल्विन ने ही डिफाइन किया था इसीलिए उनकी ऑनर में उसका नाम कैल्विन टेम्परेचर भी दिया जाता है इस टेम्परेचर पर सभी मॉलिक्यूल्स एनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं ओके तो इसको आप आसान भाषा में समझ लें कि जैसे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर का मेजरमेंट एनर्जी से ही होता है इंटरनल एनर्जी से अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज हो रहा है ठीक है ना और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है और टेम्परेचर जीरो कैलविन पर क्या होता है मॉलिक्यूल्स की जितनी भी एनर्जी है वो जीरो हो चुकी है तो ऐसे सब्सटेंस की सब बिल्कुल रेस्ट में आ जाते हैं ओके okay? तो हीट कैपेसिटी भी सॉलिड्स की जीरो हो जाएगी एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे एंड दैट द इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंस बिकम इक्वल देयर और इस पॉइंट पे आके किसी भी सब्सटेंस की जिस भी सॉलिड की आपने जीरो टेम्परेचर पे अप्रोच किया है वहाँ पे इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी वो इक्वल हो जाएगी ठीक है ना इक्वल दैट मीन जीरो हो जाएगी एस इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड इंटरनल एनर्जी ज़ीरो इंटरनल एनर्जी तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि किसी सॉलिड में किसी भी तरह की एनर्जी नहीं रहेगी तो इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो ही हो जाएगी और एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन बाद में इस स्टेटमेंट में करेक्शन किया गया था इसीलिए ये तो नर्स की हीट थ्योरम है क्योंकि एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती है हर सॉलिड की कहीं ना कहीं रेंडमनेस जरूर रहेगी आप धीरे धीरे ठंडा भले ही कर रहे हो लेकिन रेंडमनेस को एंट्रोपी रेंडमनेस को बताती है और मॉलिक्यूल में रेंडमनेस कहीं ना कहीं रहेगी ऐसा नहीं होगा वो परफेक्टली ऑर्डर में आ जाए तो उसमें एंट्रोपी कुछ ना कुछ रेजिडुअल एंट्रोपी रहती है ठीक है ना नर्स्ट ही थ्योरम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसको थर्ड ऑफ थर्मोडानेमिक्स का नाम दिया गया क्योंकि सेकेंड ऑफ थर्मोडायनिक्स से चेंज इन एंट्रॉपी डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी ये फॉर्मूला आपको पता है क्लॉसियस ने दिया था उसके अकॉर्डिंग चेंज इन एंट्रोपी तो पता था कि एस आई माइनस एस एफ इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी के इक्वल है यानी दो स्टेट में एंट्रोपी का चेंज जो है वो तो बता सकते थे सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, से लेकिन पर एक पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी इस चीज़ को सेकंड ऑफ थर्मोडाइनमिक से नहीं बताया जा सकता था इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत थी जिसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर सकें कि इस पॉइंट पे एस की वैल्यू क्या होगी तो नर्स की हीट इक्वेशन ने ये ये एक reference point दिया, यानी कि कि आपने जैसे देते हो ना ना? के में इसकी क्या होगी, है ना? तो हमने ये जो reference point है, जो नर्स की heat equation है, उसने ये reference point दिया पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी क्या होगी या किसी और पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी ओके देखिए अकॉर्डिंग टू

जीरो पर एंट्रॉपी परफेक्ट क्रिस्टल के लिए होती है ठीक है ना इज़ इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी अभी आप इसको समझ लीजिए इसके बाद इसको और डिस्कस करेंगे यानी उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए एक इक्वेशन दिया एक पॉइंट सजेस्ट किया एक रेफरेंस पॉइंट दिया तो ये लॉ uh, किसी भी स्टेट में किसी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी इसको आसानी से बता सकता था उसके अकॉर्डिंग सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज है वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है इससे प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसको सजेस्ट किया जा सकता था तो ये इसका बहुत ज्यादा यूज है अब देखिए इसका uh, जिस तरह के कई सारे आल्टरनेट थे कि अलग अलग तरीके से सेकेंड ऑफ थर्मोडायनमिक्स को डिफाइन किया जा सकता था इसी तरीके से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है बाद में ये नर्स ने अपनी हीट इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन किया और ये बताया कि जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं जिनमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो उनको अगर आप कूल डाउन करते हैं तो धीरे धीरे वो सारे ऑर्डर्ड स्टेट में आ जाते हैं उस कंडीशन में परफेक्ट क्रिस्टल या प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो हो जाती है एब्जोलूट जीरो टेम्परेचर पे अदरवाइज जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं जब उनको कूल cool डाउन किया जाता है तो उनके अंदर उनकी एंट्रोपी भी मिनिमम हो जाती है लेकिन रेजिडुअल एंट्रोपी उनके अंदर रहती है क्योंकि उनके अंदर रेंडम रेस रहती है ओके okay? पहले आपने कहा परफेक्ट क्रिस्टल में क्या होता है लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं और उनके ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है तो परफेक्ट क्रिस्टल को आप धीरे धीरे स्मॉल प्रोसेस से धीरे धीरे कूल डाउन करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल अपने पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर से रैंडमनेस जो होती है वो खत्म हो जाएगी ठीक है ना जैसे जैसे गर्म करते हो क्रिस्टल क्या होते हैं रैंडम मोलिक्यूल्स रैंडम मोशन में आ जाते हैं और जब ठंडा कर रहे हैं तो वापस अपनी पोजिशन ले लेंगे ऑर्डर्ड हो जाएंगे ऑर्डर्ड होना दैट मीन एंट्रोपी को धीरे धीरे कम करना और एब्जल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो हो जाएगी प्योर क्रिस्टल के अलावा अगर हम कोई और सॉलिड लेते हैं उसमें रैंडमनेस अगर आप धीरे धीरे इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस से कूल cool डाउन भी करेंगे और एब्जल्यूट जीरो को अप्रोच भी कर लिया तब भी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे और कुछ ना कुछ रेजिडुअल एंट्रोपी रहती ही है थर्ड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक आर्टन नेट खुद ओरिजिनली नर्स ने दिया स्टेलाइन सॉलिड रिएक्ट एट एब्जलोर जीरो एब्जलोर जीरो टेम्परेचर पर अगर प्योर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड रिएक्ट करता है तो एंट्रोपी चेंज नहीं हो बाद में अकॉर्डिंग टू प्लांक प्लांक ने सजेस्ट किया कि द एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड

ये भी कहा कि किसी भी तरह चाहे आप कितने भी इनफाइनाइट स्मॉल प्रोसेस करें ज़ीरो कैल्विन टेम्परेचर अप्रोच नहीं किया जा सकता है ये ओरिजिनली नर्स ने बोला है कि किस कुछ भी किया जाए आप चाहे कितने भी प्रोसेस कर लें लेकिन एब्जलूट ज़ीरो टेम्परेचर नहीं ऑप्टेन किया जा सकता अब ये तो नर्स की थ्योरम हो गई है ठीक है बाद में नर्स ने ये आल्टरनेट दिया था उसका प्योर क्रिस्टल के लिए कि प्योर क्रिस्टल की एट एब्जलू जीरो जीरो एनट्रॉपी होती है और बाद में अकॉर्डिंग टू प्लांट प्लांक जीरो केल्विन टेम्परेचर पर प्योर सॉलिड और लिक्विड इनकी एंट्रोपी ज़ीरो होती है दोनों के बाद लॉइस एंड रेंडॉल्स ने एक बेस्ट स्टेटमेंट दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडा का जो कि मैं अभी लिख के आपको बताती हूँ अकॉर्डिंग टू लुस एंड रेंडॉल एवरी सिस्टम हैज़ अ फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी बट एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी में बिकम जीरो एंड सो बिकम इन केस ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्ज सब्सटेंस ये थर्ड लॉफ डायनेमिक्स का बेस्ट स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग की हर सिस्टम की एक फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी होती है क्योंकि हर सिस्टम के अंदर रैंडमनेस होती ही होती है लेकिन एब्जलूट ज़ीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी में बिकम ज़ीरो जीरो हो सकती है अगर आप उसको कूल cool डाउन करें एंड सो बिकम इन द केस ऑफ़ जिस तरह से प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एंट्रोपी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं सब मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड हो सकती हैं तो एब्जल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी चाहे वो पॉजिटिव है ठीक है ना फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी है लेकिन जीरो कैलविन टेम्परेचर पर एवरी सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो हो सकती है ठीक है पक्का नहीं है कुछ ना कुछ रहेगा ही उसमें लेकिन हो सकती है तो इसीलिए कंसीडर कर ली जाती है कि जीरो कैल्विन टेम्परेचर पे सिस्टम की एंट्रोपी कितनी रही होगी ज़ीरो होगी तो उसे रेफरेंस पॉइंट मान के उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में एंट्रोपी को कैलकुलेट किया जाता है और उसकी हेल्प से निकाला जाता है कि सब्सटेंस की एंट्रोपी किसी भी स्टेट में क्या होगी ओके okay, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से मैंने आपको बताया ही है एंट्रॉपी का डिफरेंस निकलता है दो स्टेट की एंट्रॉपी का डिफरेंस निकलता है आपको कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होता इसमें आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो जीरो के टेंपरेचर टेम्परेचर के जीरो के टेंपरेचर टेम्परेचर पर तो एंट्रोपी जीरो ही रही होगी और एक पर्टिकुलर स्टेट पर आप एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे और फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे